अपने यूट्यूब फैमिली, जैसे मैंने बताया था कि मैं गांव जा रही हूँ और अब मैंने दिखाया भी कि मैं घर आ गई थी और मैं गांव आ गई हूँ। आज दूसरा दिन है मेरा यहाँ पर और हम लोग सुबह सुबह उठ के रेडी हो के, अभी कितना बज रहा है, 7:30 बज रहा है, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी बहन भी है, देखिए आगे की चल रही है पूजा की थाल लेके और मैं जा रही हूँ अपने मंदिर। मैं बहुत जब बचपन में थी ना तब जाया करती थी, वहीं पे स्कूल था, वहीं पे मंदिर था और ये हमारा यहाँ पे हम लोग खेलते थे और साइड में ही मंदिर है एक, इसमें मंदिर है। इस मंदिर में हम लोग भी जाते थे प्रसाद लेने के लिए, शाम को घंटी बजता था ना तो हम लोग चले जाते थे मंदिर में प्रसाद लेने के लिए। सारी बचपन की बातें याद आती है जब हम लोग गाँव में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकते लेकिन हाँ कुछ दिन के लिए आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पहले जैसा था वैसा ही थोड़ा लग रहा है, कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन गांव में अभी भी खपड़ों का कपड़ा, मतलब मिट्टी का जो घर है वो बना हुआ है। बहुत लोग कहता है इसलिए बोलते हैं गाँव। यहाँ पे पूरा मैदान जैसा था बट अभी पीछे देख सकते हैं आप घास ही घास है पूरा। यहाँ पे कोई वगैरह अब लगता है सफाई वगैरह नहीं करता, पहले प्लेग्राउंड जैसा बना हुआ था। और यहाँ पे जो है जब शिव जी का जो शिवरात्रि आता था तो अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, इसके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे सफाई वगैरह होता था। जैसे कि कल के वीडियो मैंने आपको दिखाया था अपना स्कूल, आज मैं सामने से दिखा रही हूँ। कल तो मैंने गाड़ी में से दिखाया था और आज मैं स्कूल के पास ही से गुजर रही थी, मंदिर यहीं से होके जाते हैं तो मैं अपना स्कूल दिखाती हूँ। पुराना ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बिहार में यही प्रॉब्लम है कि पैसे तो मिलते हैं बट लोग ठीक नहीं करवाते। देखिए दिखाती हूँ, यहाँ पे एक दूसरा गेट लग गया है बड़ा सा, यहाँ से बच्चे अब एंटर करते हैं। हम लोग पहले वहाँ से एंटर करते थे लेकिन अब बच्चे यहाँ से एंटर करते हैं और एक नई बिल्डिंग बनी है और इसमें ही शायद अब यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पे खाना सामने बनता है, यहाँ पे खाना वगैरह बनता है सामने में, वो जो छोटा सा दिख रहा है सामने में खिड़की जैसा उसमें खाना वगैरह बनता है अभी भी। और ये स्कूल है पूरा हमारा, गांव का स्कूल और शहर का स्कूल में बहुत फ़र्क है ये आसपास देख सकते हैं इसमें। और जो सामने में था ना उसमें हम लोग आम तोड़ने के लिए जाते थे, आम हमने बहुत तोड़ा है दूसरों के बगीचे से, बहुत ज़्यादा तोड़ा है उसमें। हम लोग रात को भी जब आंधी वगैरह आता था ना तब भी हम लोग चले जाते थे, कुछ डर नहीं कुछ नहीं। और इधर रोड है, इधर से हम लोग कल गए थे ऐसे घूमकर क्योंकि इस साइड में कोई जगह नहीं था, बहुत छोटा गाँव है हमारा तो बहुत कम स्पेस है, एक गाड़ी जाएगी तो दूसरी नहीं जा पाएगी। गाँव छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद है अपना गाँव। और जब हम कभी अपने गाँव में जाते हैं ना तो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं पूरा। लेकिन बचपन वाली कोई बात नहीं है, अब कोई मिलता नहीं है, मेरी फ्रेंड्स सब हैं, सबकी शादी वगैरह हो गई है, सब लोग कोई नहीं दिखता है। एक फ्रेंड है वो मेरी बहन है, ये रही। ये हमारा स्कूल था छोटा सा, यहाँ पे 8th class तक पढ़ाई होती थी और अभी भी, अभी कितना क्लास तक पढ़ाई होता है, 8th class तक अभी भी पढ़ाई होता है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस हाँ टीचर्स वगैरह चेंज हुए होंगे और बस ये चेंज हो गया है कि यहाँ पर पहले वो धान वगैरह जो होता है उबालते थे यहाँ पर, पूरा उसको सुखाते थे, अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूरा घर बन गया है, ये देख सकते हैं पूरा घर बना हुआ है यहाँ पे। और सामने में ही मंदिर है, हमारा मंदिर भी आ गया, मंदिर। चलिए मंदिर में चलते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद घर जाएंगे अपने। जय जय काली माई की जय। हमारा पूजा हो गया, अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं पूजा करने। अभी हमारा पूजा हो गया और हम 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बज गया, 7:30 बजे आए थे हम यहाँ पे, 7:30 बजे आए थे और 9:30 बज गया मंदिर में, काफ़ी टाइम के बाद आए थे इसलिए थोड़ा अच्छे से सोचा पूजा कर ले और फिर घर जाएंगे। माता रानी का आशीर्वाद भी ले लिया, काली माँ का,
और अभी घर जा रहे हैं। अरे वाह, स्कूल खुल गया। ओ, हम 7:30 बजे आए थे तब स्कूल नहीं खुला था। आरती कितने बजे स्कूल खुलता है? 9:30 को स्कूल खुलता है। और ये देखिए गेट ओपन हो गया है, बच्चे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, कुछ बच्चे ही दिख रहे हैं। शायद क्लास स्टार्ट हो गया इसलिए थोड़े से बच्चे हैं। अंदर जा सकती हूँ क्या? चलिए स्कूल के अंदर चलते हैं। ये मेरा स्कूल था जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चे ऐसे घूम रहे, देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और चलते हैं स्कूल से बाहर क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं। ले लो पैसे। देखिए जाते टाइम मैंने दिखाया था शिव मंदिर, ये है हमारे गांव का शिव मंदिर। मैंने आप लोगों को मंदिर दिखा दिया, अपना स्कूल दिखा दिया, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।